नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक बार आपके सामने मिल्क एनालाइजर का क्लीनिंग कैसे की जाती है बताने की कोशिश करेंगे। एनालाइजर की क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मल पानी से एनालाइजर से अंदर के सारे दूध को साफ करेंगे। साफ करने के लिए क्लीन बटन प्रेस करेंगे। तीन ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन होगा उसी को एंटर करेंगे और ये हमारा 50 साइकिल चलेगा। जब ये 50 साइकिल चल जाएगा, ये देखिए हमारे 50 साइकिल ख़त्म हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे ख़त्म होगा और इस तरीके से हम 3 से 4 बार पानी से साफ़ करेंगे। पानी से साफ़ हो जाएगी, फिर हमारा केमिकल है जो एनालाइजर के साथ आएगा। दो तरह के केमिकल होंगे, एक तो मास्टर डेली, इस केमिकल से रोज़ाना सुबह शाम 2 से 3 बार साफ करना है। इसको बनाना पड़ता है। बनाने का तरीका ये है कि हम 1 लीटर पानी की बोतल लेंगे। 1 लीटर पानी की बोतल में हम 10 ग्राम केमिकल या 10 ml किसी भी मेजरमेंट के थ्रू डालेंगे उसमें। उस केमिकल से फिर हम मशीन को पानी से साफ करने के बाद केमिकल से साफ करेंगे। जब मशीन 3 बार केमिकल से साफ होगी, 50-50 साइकिल 3 बार चलेंगे, उसके बाद फिर पानी से साफ करेंगे और फिर 50-50 साइकिल केमिक पानी के भी चलेंगे। ये साफ करने का बिल्कुल सही और सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरीके से साफ करने से हमारी मशीन का जो मेंटेनेंस है वो 0 रहता है। कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लगता, ना ही कोई खर्चा आता है। और जो आपका दूध का कारोबार है, जहाँ खर्चे कम हो जाते हैं वहाँ अपने आप फायदे होने लगते हैं। तो सर, ये था हमारा साफ करने का तरीका। हमारी मशीन को एक तरीके से भी साफ करते हैं, जब पानी से साफ हो जाता है तो इसको प्लंजर से साफ करते हैं। मशीन के साथ ही यह चीज आती है, ऊपर एक प्लास्टिक का गोल रबर बंग होता है, इसको निकाल के इसके अंदर प्लंजर को प्रेस करके डालेंगे। जैसे ही आप इसको ऊपर खींचेंगे, पानी ऊपर जाएगा, फिर प्रेस करेंगे, पानी वापस बीकर में आ जाएगा। ये तरीका डेली सुबह शाम 8 से 10 बार करेंगे जब क्लीनिंग ख़त्म हो जाती है। और ये क्लीनिंग इसकी लास्ट और आखिरी क्लीनिंग है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।